डौंडी में धान खरीदी के तीसरे दिन अब खरीदी केंद्र में किसानों को परेशानियां महसूस होने लगी हैं। किसानों को पहले एक निश्चित तारीख तय कर रसीद दी जाती है, जब वो उस दिन धान बेचने पहुंचते हैं तो सिस्टम में समस्या बताकर किसानों को वापस भेज दिया जा रहा है। मामला बालोद जिले के आमदुला धान खरीदी केंद्र का है। किसानों का कहना है कि उन्हें जो रसीद दी गई थी उसमें जो तिथि बताई गई है उसी के अनुसार वो धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे, अब अगर वो वापस जाएंगे तो परिवहन का दोगुना किराया लगेगा। आज वाला टोकन मिली थी सर, रिसीद 3 तारीख के लाभे करके। अब आज कहा थे कि भाई तो टोकन नहीं कटे है, वापस ले जा। भाई मुझे समस्या ये है, अब गाड़ी में फिर ले जाऊँ लाऊँ तो मुझे कतिक महंगा पड़ी। 1 तारीख के टोकन काटे रही से रसीद दे, आज 3 तारीख के लाभ, और 3 तारीख आज 150 कट्टा के मोर टोकन है तो लेके आ गए हैं हमन है। तब सोसाइटी वाले मन हर बोला थे कि आपके टोकन नहीं कटे है, तकनीकी खराबी कारण से आप वापस ले जाते। हमारे सोसाइटी वाले माला बोला था कि भाई हमार धान आ गए तला खरीद ले, और जैसे भी जो 4 दिन के बाद टोकन आते हैं उस डेट में आप एंट्री कर ले, काबर हमला परेशानी होते। महासमुद्र